नमस्कार, सुप्रभात, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। मेरा नाम है अभिषेक के शर्मा। आज है 23 अक्टूबर 2024, दिन है बुधवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। दैनिक भास्कर वालों का ये क्विज चल रहा था, पर्व के पकवान। इसका आज अंतिम दिवस है, लास्ट डे है। कुल 11 दिन ये आना था, आज जो है 11वां दिन ही है। और आज जो है इसको आप अवश्य खेलें। यदि बीच में आपने खेलना छोड़ दिया था किसी भी कारण से, फिर ये कल से क्विज नहीं आएगा। इसमें चांदी मिल रही है जो कि अब 97,000 से ऊपर हो चुकी है। क्विज खेलने के लिए इस QR कोड को आपको स्कैन करना होता है। स्कैन जब आप करते हैं, स्क्रीन पर ही आपको छोटा सा लिंक दिखाई देता है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, रीडायरेक्ट होकर नए पेज पर जाते हैं जहां पर आप अपनी डिटेल्स भरेंगे, दो क्वेश्चंस के आंसर सबमिट करके लकी ड्रॉ में एंटर कर जाते हैं। विजेताओं का चयन जो है लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाता है। जो भी हजारों लाखों जने डेली खेलते हैं, उसमें से जो भी लकली इनके लकी ड्रॉ सिस्टम में रेंडमाइजर सॉफ्टवेयर द्वारा सेलेक्ट हो जाते हैं, उनका जो है विजेता लिस्ट में नाम आ जाता है, जो अभी हम देखेंगे। 5 विजेताओं को जो है इसमें 50 ग्राम चांदी मिलती है। और जो मेगा ड्रॉ में, यानी कि जो 5 या 5 से अधिक बार जिन्होंने भाग लिया है इसको, इसमें वो मेगा ड्रॉ में एंट्री कर चुके हैं, उनमें से जो लकली 3 सेलेक्ट होंगे उनको 500 ग्राम चांदी मिलेगी। कुल 1.5 किलो हो गई। ये बम्पर इनाम में है जो कि मेगा ड्रॉ का होगा। अभी जो है हम क्विज खेलेंगे। पर्व के पकवान नाम इसलिए है क्योंकि पकवान यानी कि खाना, क्विजीन, रेसिपी से जुड़ा हुआ ये क्विज है। तो अभी जो है मैं आपको पहले प्रश्नों के उत्तर और बता देता हूँ विजेताओं के नाम कल के। क्विज की टाइमिंग की बात करें तो 12 घंटे तक लाइव रहता है इसको। आप आज शाम को 6 बजे से पहले यानी कि 5:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। चांसेस बढ़ाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आपके पास जितने भी फ़ोन नंबर हैं घर में, सबसे कुछ कुछ घंटे के अंतर पर खेलिए, इससे आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सभी क्विज के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। कल के प्रश्नों के सही जवाब हैं पहले का B, दूसरे का A। यही दोनों सही आंसर देके और जो लक से सेलेक्ट हो गए हैं उन 5 विजेताओं का नाम है। सौभाग्यशाली बोलता हूँ क्योंकि चांदी मिल रही है, इतनी महंगी चांदी है। संजय बारिया, 5680 5680, ये मोबाइल के आखिर के 4 अंक होते हैं। दूसरा नाम है प्रज्ञेश सिंह राठौर, 8852 8852, प्रज्ञेश सिंह राठौर। तीसरा नाम है एकता आशीष तन्ना, 8878 8878। चौथा नाम है रोहित कुमार का, 0139 0139। और पाँचवा नाम है नर्मदा धारे जी का, 3705 3705। तो ये हैं 5 विजेता क्विज 10 के यानी कि कल के, और ये आज का क्विज 11 है, लास्ट है क्विज ये आज का। और इन सभी विजेताओं को दैनिक भास्कर की ओर से हार्दिक बधाई। आपको दैनिक भास्कर की टीम कांटेक्ट करेगी आज या कल में, तो अपना फ़ोन का ध्यान रखिएगा। यदि आज कल में नहीं आता है तो within 1 week आपके पास आ जाएगा, 1 सप्ताह के अंदर। अब जो है आज का क्विज खेल लेते हैं। पर्व के पकवान क्विज 11 का पहला प्रश्न है कि कुल्लू का दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? ए मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश। तो कुल्लू, मनाली, हिमाचल प्रदेश, ये आपने सब सुना होगा ना, तो ये हिमाचल प्रदेश में ही है कुल्लू मनाली, तो बी इसका आंसर होगा। लेकिन फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। बाकी ये जो रेसिपी है इसका वीडियो देखने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, इसकी आपको पूरी रेसिपी मिल जाएगी, जिसको बनाया है बकुल मेहता जी ने, जो कि पारंपरिक हिमाचली व्यंजनों की जानकार हैं। तो बात हो रही थी किसकी हो रही थी बात, कुल्लू का दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है 5वीं लाइन में, कुल्लू का दशहरा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और सबसे ऊपर क्या लिखा है, हिमाचल, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था हिमाचल प्रदेश में। ये तो वेरीफाई हो गया, ये आंसर हमारा ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन बी के साथ में जाएंगे। दूसरा है, हिमाचल का मीठा कद्दू किसके साथ खाया जाता है? ये चावल के साथ, बी खिचड़ी के साथ। तो इसके लिए जो है हमें रेसिपी में जाना पड़ेगा, ये कैसे बनती है और इसमें किसके साथ खाना है। ये ऊपर भी एक लाइन में लिखा था, कद्दू का मीठा अक्सर शामिल रहता है, ये बनाने में आसान और मज़ेदार होता है, तो यहाँ तो नहीं है इसका आंसर। ये है देखिए, हिमाचली मीठा कद्दू बनाने की जो विधि है ना, इसमें सबसे लास्ट लाइन देखिए, इसको आँच से उतार लें यानी कि जब बन जाए, और चावल के साथ इसका आनंद लें। तो इसमें चावल कहाँ पर है, ऑप्शन ए के साथ में। अभी तक डेली कल तक पूछ रहे थे कि किसका
उपयोग नहीं किया जाता या किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें बताया गया है किसके साथ खाया जाता है। तो ये देखिए लास्ट लाइन में लिखा हुआ चावल के साथ इसका आनंद ले, मीन्स चावल के साथ इसको खाया जाता है। तो इसमें आप ऑप्शन ए के साथ में जाएंगे। तो पहला हो गया कुल्लू का दशहरा, हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। दूसरा हो गया हिमाचल का मीठा कद्दू चावल के साथ खाया जाता है। तो पहले का बी, दूसरे का ए। तो ये आज की क्विज की बात हो गई, यानी कि 23 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार के। बाकी दैनिक भास्कर वालों का एक और क्विज है जिसका नाम है मधुरिमा क्विज, वो आपको थोड़ी देर में उसका वीडियो मिल जाएगा। वो आई थिंक 18 घंटे लाइव रहता है, तो उसको रात्रि में आप 12 बजे से पहले तक कभी भी खेल सकते हैं, 11:59 तक। तो थोड़ी देर में उसका वीडियो मिल जाएगा, उसको भी आप ऐसे ही खेलिएगा कुछ कुछ घंटे के अंतर पर अलग अलग अपने नंबर से। बाकी कौन बनेगा करोड़पति में जाना चाहते हैं तो इसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा क्विज का। बाकी कई सारे क्विज के वीडियो हैं, दैनिक भास्कर वालों का ही क्विज है, केवल राजस्थान वालों के लिए है। इसमें डायमंड रिंग या पेंडेंट आप जीत सकते हैं। बाकी कई सारे आपको चैनल पर क्विज मिलेंगे। बाकी आगे आने वाले क्विज के लिए सब्सक्राइब करके रखें, घंटी को बजा के सबसे ऊपर वाला ऑल वाला ऑप्शन चुनें जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपना अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा, आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीख मिलते हैं नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।